नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से UGC नटजार, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT, GIC लेक्चरर, LT ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक सबसे पहले प्रेषित की जाती हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728, इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना है भर्ती आयोग व बोर्ड अध्यक्षों की क्लास लेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरने की तैयारी है। 3 माह में प्रक्रिया शुरू करके 6 माह में भर्तियां पूरी करने का निर्देश है। कोरोना की दूसरी लहर के खात्मे के साथ अब भर्तियों को रफ्तार देने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी भर्ती आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों की क्लास लेंगे। यह बैठक जल्द बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के इसी माह होने की उम्मीद है। इसमें बोर्ड अध्यक्षों से यह भी पूछा जाएगा कि अब तक कितनी भर्तियाँ पूरी की है और अभी कितनी लंबित हैं। उन्हें यह भी बताना होगा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने का रोडमैप क्या है। फिलहाल सरकार की तैयारी है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भर दिया जाए। प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर बेहद गंभीर है। 4 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। इधर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सब कुछ ठप रहा तो उसका असर भर्तियों पर भी पड़ रहा है। आयोगों और बोर्डों को अपनी परीक्षाएं टालनी पड़ी और साक्षात्कार तक नहीं हो सके हैं। यह भी सही है कि कई आयोग व बोर्ड सरकार की मंशा पर खरे नहीं उतर सके हैं। मसलन वे नई भर्तियां निकालने व पुरानी भर्तियों को तेजी से पूरा कर नहीं पाए हैं। इससे शासन अवगत है और मुख्यमंत्री भी इस पर निगाह रखे हैं। अब कोरोना कर्फ्यू सिमटने के बाद मुख्यमंत्री ने शासन के अफसरों को निर्देश दिया है कि वे सभी आयोगों व बोर्ड अध्यक्षों की बैठक बुलाएं जिससे भर्तियां तेजी की जा सकें। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दे दिए हैं। इसी की प्रक्रिया 3 माह में शुरू करके हर हाल में 6 माह में पूरा करने को कहा गया है। दरअसल योगी सरकार विधानसभा चुनाव में रोजगार के मोर्चे पर उपलब्धियों के साथ उतरना चाहती है। 4 साल में 4 लाख रोजगार को अगले 6 माह में तेज करके 5 साल 5 लाख करने का वादा है। इसके लिए आयोग व बोर्ड अध्यक्षों को कठिन सवालों से 2-4 होना पड़ सकता है क्योंकि कई बोर्ड नई भर्तियों की जगह पुरानी भर्तियां ही नहीं पूरा कर पाए हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठक लेंगे, सभी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे जो है कहेंगे कि आप अतिशीघ्र भर्तियों को पूरा करें। उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आप लेट किए तो क्यों नहीं कर पाए। तो इन सब की कारणों से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बैठक के बाद भर्तियों पर तेजी आएगी। वैसे तेजी आ चुकी है, लेकिन जिन जैसे TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो परीक्षा की तिथियां नहीं घोषित हुई हैं वो बहुत ही तेजी से घोषित होगी क्योंकि अब जानते हैं कि सरकार के पास समय बिल्कुल बचा नहीं है और रोजगार को लेकर के सरकार इस टाइम पे संवेदनशील है। तो इन्हीं क्योंकि 6 महीने बचा है और इन्हीं 6 महीने में सारी प्रक्रिया होनी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों के दस्तावेज 26 को नहीं होंगे सत्यापित। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सोमवार से प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है। दूर दराज से आए अभ्यर्थियों ने समस्त अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराया। सत्यापन का सिलसिला 16 जुलाई तक चलेगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण शनिवार 26 जून को दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होगा। आयोग ने पहले इस तारीख पर दस्तावेज सत्यापित करने का निर्णय लिया था। अब अभ्यर्थियों की सहूलियत को देखते हुए शनिवार को सत्यापन न किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नई भर्ती में पुराने विषय की चाह। ये बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS भर्ती की।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 में भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें अहम था पीसीएस की परीक्षा से रक्षा अध्ययन, समाजकार, उर्दू, फारसी व कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषयों को बाहर करना। 72 नंबर पाने के लिए हजारों अभ्यर्थी इन्हीं विषयों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने इन विषयों को परीक्षा से बाहर कर दिया। अब प्रतियोगी छात्र इन विषयों को फिर से शामिल करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को कार्यभार ग्रहण किए काफी समय हो गया है, इसलिए वे जल्द आयोग के अध्यक्ष से मिलकर उनके समक्ष मांग रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर सुधारने के लिए लोक सेवा आयोग में पिछले 1.5 साल में काफी बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में प्रश्नों का स्तर, परीक्षा कराकर त्वरित रिजल्ट जारी करना, पारदर्शिता के लिए सारी व्यवस्था ऑनलाइन करना, अभ्यर्थियों की हर दिक्कत का त्वरित समाधान करने जैसी व्यवस्था यूपीएससी की तर्ज पर लागू की गई है। इसके साथ ही पीसीएस परीक्षा में उन्हीं विषयों को शामिल किया गया है जो संघ लोक सेवा आयोग में हैं। इसी कारण पीसीएस की परीक्षा से रक्षा अध्ययन, समाजकार, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषयों को बाहर कर दिया गया है। पीसीएस के अलावा यूपीपीएससी की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का स्तर यूपीएससी का ही तरह होगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि बिना किसी सूचना के अचानक विषयों को बाहर करना प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। आयोग अपनी गलती सुधार कर हटाए गए विषयों को परीक्षा में शामिल करे। इसको लेकर आयोग अध्यक्ष को मांग पत्र दिया जाएगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक, जवाब तलब। NCTE का निर्देश, शिक्षक भर्ती नियमावली पर बाध्य। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में ट्रेनिंग स्कूल में लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, क्योंकि इन्होंने सीटेट का मार्क्स सर्टिफिकेट लगाया था और इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। तो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि सीटेट का जो प्रमाण पत्र है ऑल इंडिया मान्य है, सभी राज्यों को उसको मानना बाध्यकारी है, तो इसको जो है नियुक्ति का आदेश दिया गया है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने सीटेट पास कर रखा है वो स्टेटेट पास नहीं है, तो कोई बात नहीं कि सीटेट जो है संपूर्ण भारत में सभी राज्यों को उसको मानना होगा। मेरिट कम कर बच्चे पद भरने से इंकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही 3,000 विज्ञापित पदों को कैरी फॉरवर्ड न कर मेरिट घटाते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि यदि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से ही किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। सरकार सभी विज्ञापित पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी हैं, इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति SC त्रिपाठी ने अजय प्रकाश मिश्र तथा 216 अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता HN सिंह, सिद्धार्थ खरे, मुनीब मुजीब अहमद सिद्दीकी सहित आधा दर्जन वकीलों ने बहस की। याचियों का कहना था कि वे सभी चयनित हैं, कट ऑफ मेरिट 191.6 से अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 28,916 सिविल पुलिस व पीएससी कांस्टेबल पदों की भर्ती में सामान्य वर्ग वालों को 4,403.6, ओबीसी को 394 व ST को 380.3 अंक कट ऑफ मेरिट पर दस्तावेज सत्यापन तथा शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया था। 2015 की पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती मामले में याचिकाएं खारिज। कोर्ट ने कहा चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं। इसके बाद काउंसलिंग से 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित परेशान। विश्व शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग इसी माह होने जा रही है। ये कार्यक्रम घोषित होने से 68,500 भर्ती के वे अभ्यर्थी परेशान हैं जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण घोषित हो चुके हैं। हालत यह है कि अब तक कई अवमानना याचिकाएं भी हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, अब उनकी सुनवाई होने की उम्मीद है। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक के सापेक्ष 41,556 लिखित भर्ती
लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के करीब 4600 अभ्यर्थी सफल हुए तो उन्हें भी नियुक्ति दी गई। इसके बाद कोर्ट में मूल्यांकन को चुनौती देने की मुहिम शुरू हुई। उसके बाद कोर्ट ने जनवरी 2020 में 36 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। सितंबर 2020 में 103 अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण करार दिए गए। वे तब से नियुक्ति पाने की दौड़ लगातार लगा रहे हैं। इसके बाद पीटी के लिए अब 25 तक जमा कर सकेंगे शुल्क और आवेदन पत्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने 21 जून तक पंजीकरण करा लिया है वे अब 25 जून तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं और अपने आवेदन को अंतिम रूप से ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं। इससे पहले आयोग ने पीटी के लिए पंजीकरण कराने तथा शुल्क और आवेदन पत्र जमा करने के लिए 21 जून तक तारीख निर्धारित की थी। तो अभी भी जो लोग बचे हैं उनसे आग्रह है यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने के लिए समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली कराने का फैसला लिया है जिसके तहत चरण में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच। सीबीएसई के 12वीं के मूल्यांकन और रिजल्ट से संतुष्ट न होने वाले छात्र वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है केंद्रीय शिक्षकों कर्मचारियों को मिल रही राष्ट्रीय पेंशन लागू हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उठाई मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेजकर केंद्रीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्यान्वयन नियम 2021 की तरह प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को संशोधित करने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव एवं पेंशन निदेशक को पत्र भेजकर इसका विरोध किया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु के कई महीने बीतने के बाद भी अभी तक उनके आश्रितों को नियमित पेंशन और न ही कोई प्रोविजनल पेंशन शुरू करने की निंदा की है। संघ ने मांग की है कि पेंशन निदेशालय के 18 जून 2021 के आदेश को वापस लिया जाए। एलटी ग्रेड नियुक्ति के लिए हफ्ते भर में खुलेगा पोर्टल। तो दोस्तों ये एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के एवं हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब इनको भी नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज के लिए एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति के लिए एनआईसी का पोर्टल खोले जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे एवं उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव को मिला है। स्कूलों को 15 जुलाई तक अपलोड करने होंगे अंक। सीबीएसई 8 जुलाई तक पोर्टल उपलब्ध कराएगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है प्रतीक्षा सूची जारी हुई तो बढ़ेंगे चयन के अवसर। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग तेज। कई भर्तियों में खाली रह गए पद भर्ती के इंतजार में बीत रहा समय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी किए जाने की मांग ने तेज पकड़ ली है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2 वर्षों के दौरान कोविड काल में हुई तमाम परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर आयोग भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करता है तो इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो ओवर एज हो रहे हैं। दरअसल आयोग एकल पदों वाली भर्ती में खाली रह गए पदों की स्थिति में मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों को बाद में मौका देता है, लेकिन अन्य प्रकार की भर्तियों में यह व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे में रिक्त पदों को अगली भर्ती में भरना पड़ता है और अभ्यर्थियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एकल पदों वाली भर्ती में भी अभ्यर्थियों को मौका तब मिलता है जब चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 से 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सभी प्रकार की भर्तियों में रिजल्ट के साथ ही प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। ऐसे में कोई अभ्यर्थी ओवर एज हो रहा है और उसका नाम प्रतीक्षा सूची में है तो पद रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से उसका चयन हो जाएगा। कोविड के कारण आयोग में परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और उनकी परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हुई। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का विरोध। प्रदर्शन की चेतावनी।
शिक्षक भर्ती त्रुटि संशोधन की बाट जोहरे वाले बिफरे। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत शासन द्वारा वेटिंग सूची जारी करने का उन अभ्यर्थियों ने विरोध किया जो त्रुटि में संशोधन का अवसर देने की बाट जोह रहे हैं। त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले उनका नियुक्ति पत्र जारी हो, उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है और जिला का अलर्ट हो गया है, इसके बावजूद उनको वरीयता न देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में प्राप्तांक, पूर्णांक, भारांक आदि में त्रुटि हो गई है, ऐसे की संख्या अब करीब 200 हो गई है। ये अभ्यर्थी गोंडा, बस्ती, वाराणसी और विभिन्न जिलों से है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि वे मेरिट में आ चुके हैं, बस विभाग को नियुक्ति पत्र जारी करना है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अरविंद मिश्र को क्षेत्रीय वन अधिकारी संघ की कमान। यूपी SSSC PT के लिए 28 लाख से अधिक आवेदन और 24 तारीख तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 25 जून तक जमा कर सकेंगे शुल्क व अंतिम रूप से आवेदन। 28 जून तक किया जा सकेगा आवेदन पत्र में संशोधन। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तर प्रदेश चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ सामान्य चयन पद हेतु विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी हुई है 1/2021 विभाग संख्या S9/02 दिनांक 5/9/2020 के क्रम में सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों से ऑफलाइन समस्त शैक्षिक अभिलेखों के सहित परंपरागत आवेदन की मांग की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा आपको धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।